हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मूवलिंक 2M2 गोडॉक्स का 2 पर्सन इंटरव्यू माइक वायरलेस सिस्टम। ये बेसिकली गोडॉक्स का जो प्रीवियस वर्जन था मूवलिंक M2, उसका अपडेटेड वर्जन है। उस वर्जन में कुछ कमियां थी जो कंपनी में इस वाले वर्जन में दूर करने की कोशिश करी है। तो इन्होंने दो चीज़ें बेसिकली इसके अंदर इंक्रीज़ करी हैं। एक तो उसकी रेंज इंक्रीज़ करी है। जो पहला वर्जन था उसकी थी आपकी 60 मीटर्स या 50 मीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली रेंज थी, और ये इन्होंने 100 मीटर्स पे इसको ले गए हैं। प्लस इन्होंने बैटरी बैकअप इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया है। उसका 5-6 आवर्स था जो कम था थोड़ा बाकी माइक से कंपेरिज में, इसमें 8 से 10 घंटे पे इसका बैकअप ले गए हैं। और जो एक इन्होंने एक्स्ट्रा फीचर इसमें ऐड करा है वो है डिजिटल नॉइज़ कैंसिलेशन, क्योंकि बाकी ब्रांड्स में आ रहा है 1 टच नॉइज़ कैंसिलेशन जिसे बोलते हैं, जिसमें आप बटन दबाते ही अपने आप ही माइक सॉफ्टवेयर के थ्रू आसपास की जो एम्बिएंट नॉइज़ है, शोर है, उसको ख़त्म कर देगा। तो 2-3 चीज़ें इसके अंदर बदली हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सारा वही है जो पहले था। इसके अंदर आपके 2 ट्रांसमीटर आएंगे और एक रिसीवर आएगा जो कैमरा पे या फ़ोन से अटैच हो जाएगा, और एक इसके अंदर चार्जिंग केस आता है जिसमें माइक्स आपके चार्ज हो जाते हैं टाइप सी केबल के थ्रू। चार्जिंग केस के अंदर इनबिल्ट बैटरी नहीं है, तो अपनी उसकी कोई बैटरी नहीं है, तो उसको हमेशा पावर सोर्स से आप जब लगाओगे तभी चार्ज होगा। लेकिन ये स्टोरेज केस का अच्छा काम करता है, काफ़ी कन्वीनियंट है। पहले वाले वर्जन में भी यही था, इसमें भी यही है। ये इनका अच्छा एक बेसिकली चीज़ है इन्होंने करी हुई है कि केस दे दिया है। मोस्टली माइक्स में केस नहीं आता। बाकी जो एक्स्ट्रा इसके अंदर फीचर्स हैं जो ऑलमोस्ट आपके रोड वाले माइक के अंदर आते हैं, उस लेवल का ये माइक है, क्योंकि इसमें डिजिटल डिस्प्ले भी है और आपका पूरा कंट्रोल है। आप अपने जो ट्रांसमीटर्स है का लेवल अपना सेट कर सकते हैं, अपना रिसीवर के थ्रू आप इसका पूरा वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, और डिजिटल डिस्प्ले है। और जो रोड के माइक्स होते हैं आपके रोड वायरलेस गो 2 जो है, उसके अंदर जो सेटिंग्स है वो माइक से अब नहीं हो पाती, उसमें आपको लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ता है। तो जो अच्छे फीचर्स पहले थे वो तो रह ही है, और कुछ नया आया है तो अनबॉक्स करके देख लेते हैं इसको, फिज़िकली भी चेंज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसके अंदर कि क्या इन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं। तो केस का एक तो कलर चेंज कर दिया मेनली, जो दिख रहा है पहली चीज़ इसका केस, ताकि मिक्सिंग ना हो, वो ग्रे कलर का था, ये ब्लैक कलर का केस है। यूनिट्स भी इन्होंने ब्लैक कर दिए सारे। ये हो गए आपके, जिसमें माइक है बेसिकली वो ट्रांसमीटर है, और ये दोनों आपके ट्रांसमीटर हो गए और ये रिसीवर हो गया। फिनिशिंग थोड़ी सी इन्होंने चेंज कर दी है इसकी, बाकी डिस्प्ले इस पर है ही है। ऑन ऑफ का बटन पहले साइड में इसमें था, साइड में ऑन कर देते हैं दो तीनों चीज़ों को, और ये आपका हो गया ऑन। ऑटोमेटिक पेयरिंग इसके अंदर होती है, वैसे इसमें पेयर का बटन भी है, अगर आपको पेयरिंग में इशू आया तो बटन दबा के पेयर कर सकते हो, लेकिन वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है। तो ये देखिए ऑन होते ही अपने आप पेयर हो गए हैं। यहाँ पे इनका मीटर चल रहा है, और जो मीटर चलने से इसका मतलब है कि भाई लेवल्स आ रहे हैं, और जो लेवल का एडजस्टमेंट का बटन है प्लस माइनस से आप इसकी वॉल्यूम कर सकते हो। 0 पे है अभी, तो अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो सेंसिटिविटी तो प्लस दबाते जाओ। देखिए जैसे +2, +3, +4, +5, 6, 7, 8, 9, 10, तो देखिए जैसे ही मैंने बढ़ा दिया अब वो ऑलरेडी माइक मुझसे दूर पड़े हैं, फिर भी लेवल पूरा आपका ऊपर तक जा रहा है। अब इसको मैं नीचे करूँगा तो मेरी वॉइस से ही जो माइक मुझसे दूर पड़े वो फिर भी कैच कर रहे हैं +5 पे। तो ये इसकी सेंसिटिविटी बेसिकली आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे ही मैं नीचे चले जाऊँगा -5 तक तो अब बिल्कुल लेवल नहीं आ रहा, तो माइक मुझे पास जब आएगा मेरे हेलो हेलो तब जाके कुछ उसमें वॉइस आती है। अब मैंने जैसे इस माइक को पास रख लिया अपने ए को, तो ए की आवाज़ आ रही है, बी दूर है तो बी की नहीं आ रही। अभी मैं इस माइक से काम नहीं कर रहा हूँ, इसका ऑडियो मैं आपको दिखाता हूँ इस माइक से कनेक्ट करके, बाकी कंटेंट्स पहले दिखा देता हूँ। ये इसके विंड मफ्स हैं जो आउटडोर में यूज़ होते हैं, इस पर अटैच हो जाएंगे, ट्रांसमीटर पे क्लिक हो जाता है जिससे आपका विंड इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। बाकी कंटेंट जिसके अंदर है बॉक्स में, यहाँ पे सारी केबल्स वगैरह हैं इसकी, टाइप सी चार्जिंग केबल्स हैं, एक केबल कैमरा की है और एक फ़ोन की है जो 3.5 वाली होती है TRRS। 2 एक्स्ट्रा माइक्स भी इसमें दे रखे हैं अगर आपको माइक को हाइड करना है, वैसे तो ये सीधा क्लिप हो जाता है, अगर आपको इसको हाइड करना है तो उस केस के अंदर आप इसमें एक्सटर्नल माइक यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं, और इसको फिर कहीं पे भी अपने ड्रेस में या क्लॉथ्स में जहाँ पे भी अपना पीछे कहीं हाइड कर सकते हैं, और उसके थ्रू ये लेपल की वायर कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे डिस्क्रीट हो जाएगा आपका, बिल्कुल कपड़ों के अंदर से छोटा सा बट दिखाई देगा। वैसे तो ये बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो इससे कनेक्ट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। तो 2 इसमें माइक्स भी इंक्लूडेड हैं। फिर एक इसमें एक केस के लिए अटैचमेंट के लिए उन्होंने दिया है, यहाँ पे साइड में लग जाती है ड्रॉ स्ट्रिंग टाइप,
इससे आप केस को होल्ड कर सकते हो और कैरी कर सकते हो, रिस्ट में भी अटक जाएगा आपका। चार्जिंग केबल्स इसके अंदर है, यूएसबी सी वाली सारी दे रखी हैं, और ये मैग्नेट्स दे रखे हैं क्योंकि मैग्नेटिक इसकी बेस है, तो मैग्नेट से आप इसको मैग्नेट के थ्रू भी यूज़ कर, जैसे चिपक गया तो ये। अब नॉर्मली फ़ोन के पीछे लगाते हैं, स्टिकर्स होते हैं इसमें एक साइड फ़ोन के पीछे, जैसे अगर आपको हॉट शू वाला नहीं है आपका फ़ोन, तो अगर आपको इसको लगाना है रिसीवर को, तो यहाँ पे मैग्नेट ऑलरेडी है, तो बस स्टिकर आप अपने फ़ोन के पीछे चिपका लो तो उससे चिपक जाएगा फ़ोन के साथ यूज़ करने के लिए। तो तीन मैग्नेट्स इन्होंने दे रखे हैं, तो आप इसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए सारे कंटेंट्स, फीचर्स मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिए। अब इसकी बस एक बार साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं और सिग्नल टेस्ट भी करेंगे कि भाई एक्चुअली में जो उन्होंने रेंज बढ़ाई है और उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है नहीं हुई, तो उसके लिए आउटडोर टेस्ट कर लेंगे और नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट भी कर लेते हैं इसका सारा एक बार, फिर एंड में मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता दूंगा। तो अभी हम क्लोज अप डिस्टेंस से नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हर माइक का एक मिनिमम डिस्टेंस होता है इनडोर वाला, तो धीरे धीरे हम डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे। जो पुराना वर्जन था इस माइक का, उसमें नॉर्मली लोगों को ये प्रॉब्लम आती थी कि जब मूवमेंट होती थी तो कई बार सिग्नल ब्रेक हो जाता था, तो अब मैं मूवमेंट करता हूँ और माइक से दूर जाता रहता हूँ। अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है और ये अपना नॉर्मल वॉइस पे चल रहा है। अभी जब मैं ट्रैफिक की तरफ जाऊँगा तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दूँगा, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि भाई नॉइस कैंसिलेशन डिजिटली इसकी कैसे वर्क करती है। वैसे तो हम लेवल भी डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी एक बार स्पेसिफिकली नॉइस कैंसिलेशन से चेक करेंगे और एक बार लेवल डाउन करके भी दिखा देंगे, क्योंकि लेवल में ओवरऑल वॉइस डाउन होती है लेवल डाउन करने से, और नॉइस कैंसिलेशन में सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी वाली नॉइस कट होती है, जो आप सॉफ्टवेयर में करते हो बेसिकली वो अपने आप माइक कट करेगा। तो अब देखते हैं, एक बार रेंज टेस्ट करते हैं, वीडियो चलता रहेगा, मैं अपना नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ कैजुअली और माइक से दूर जाते जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है इन्होंने कंपनी जो प्रॉमिस करा है तो इम्प्रूवमेंट तो करी होगी, क्योंकि सबसे पहला माइक जो आया था उसमें कुछ कमियाँ थी और सेकेंड वाले में इन्होंने वो चीज़ ज़रूर दूर करने की कोशिश करी होगी। और अगर ये कर, क्योंकि प्राइसिंग जो इन्होंने रखी है, प्राइसिंग पुराने वर्जन्स की बेसिकली से ज़्यादा बढ़ाई नहीं है, उससे 10% ही ज़्यादा है। जो इसका पुराना वर्जन था आपका वो था 14,000 का और ये है 15,500 का, तो 10% में इन्होंने माइनर अपग्रेड इसके अंदर कर दिए हैं, तो उससे फिर ये और ल्यूक्रेटिव हो गया है। जैसे आपका रोड का तो अभी भी वही प्राइस चल रहा है, उसमें तो कोई ड्रॉप आया नहीं है, वो अभी भी 28,000 का ही है। बाकी सब फीचर्स क्योंकि इसमें सेम ही है, बस सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ानी थी और नॉइस कैंसिलेशन डालनी थी। तो नॉइस कैंसिलेशन की हमने बहुत बात कर ली, अब उसको ऑन भी करके देख लेते हैं। वन टच नॉइस कैंसिलेशन है, यहाँ पे एक पेयर का बटन है, उसको दबाऊंगा जैसे मैं, बस अब इसमें एक लोगो बना हुआ आ गया नॉइस कैंसिलेशन का। तो अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो गई है, अब नॉइजी एनवायरनमेंट में हुई ऑलरेडी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, 2-3 साल में मेट्रो बन जाएगी तो और ये रोड काफ़ी सही हो जाएगी उसके बाद। अभी तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, तब नॉइज़ और कम हो जाएगी, ट्रैफिक कम हो जाएगा तो मेट्रो में लोग जाया करेंगे। तो ये नॉर्मल रेंज को अभी एक्सट्रीम रेंज टेस्ट भी कर लेते हैं, 100 मीटर कंपनी बोल रही है, वैसे तो 100 मीटर की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी केस में, किसी किसी सिचुएशन में बंदे को चाहिए होता है, अगर टेलीफोटो लेंस से वो काम कर रहा है, खासकर ट्रैवल के अंदर ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार बंदा ट्रैवल के टाइम पे दूर हो जाता है, अपने कैमरा से वाइड एंगल शॉट्स लेनी है या टेलीफोटो शॉट्स लेनी है काफ़ी दूर से, तो जितनी मॉल में जगह है उतना दूर तो मैं चले ही जाता हूँ। और इसको हम एडिट नहीं करेंगे, ऐसे एज इट इज़ सुना देंगे आपको साउंड। तो अब एक बार इसकी मैं नॉइस कैंसिलेशन फिर से ऑफ कर देता हूँ, ये हो गई नॉइस कैंसिलेशन ऑफ। अब मैं दिख रहा है मुझे वैसे कैमरा, मुझे लगता है 30-40 मीटर तो हो ही गया होगा, 100 फीट के आसपास हो गया होगा। अब मैं एक बार लाइन ऑफ साइट ब्रेक करके भी देख लेता हूँ कि लाइन ऑफ साइट ब्रेक करने से कटता है नहीं कटता। कहीं ना कहीं जाके तो सिग्नल फेल होना ही होना है, तो लेकिन जो है कि जब तक बंदा फ्रेम में नहीं होगा तो उसका वीडियो क्या ही बनेगा, तो आउट ऑफ फ्रेम वीडियो हमें चाहिए भी नहीं होता माइक से। तो हो गई है इसकी रिग्रेस टेस्टिंग मुझे लगता है, और साउंड क्वालिटी का भी आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो
मॉडल नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, इसका नाम है मूवलिंक 2 M2, ड्यूअल पर्सन इंटरव्यू माइक है। प्राइसिंग आपको बता दी 15,500, और आप लेना चाहते हैं तो हमारे स्टोर विजिट कर सकते हैं गैलेक्सी फोटो स्टोर पे, और वह कोई ऑर्डर करना है तो कोरियर से भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। बाय।